अपना इलेक्ट्रिक उपकरण बंद है या चालू पता चलेगा इंडिकेटर के थ्रू, ठीक है। तो आप किसी भी मोटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपको इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका इंडिकेटर लाइट जल रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमारा मोटर बंद है, समझ रहे हो ना। जैसे अपना ये जो अपना सप्लाई आया हुआ है, तो ये वाला सप्लाई जो है दो, इस सप्लाई को हम मोटर के जो टू फेस होते हैं सिंगल फेस यानी फेस और न्यूट्रल, वो फेस न्यूट्रल इसमें दे देंगे। देने के बाद क्या करेंगे, हम इसका इसमें कनेक्शन कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐसे ऑन करते हैं तो इंडिकेटर लाइट अपना बंद। आज के समय में दोस्तों इंडिकेटर लाइट अगर शो करता है तभी हमको ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस है, ये सब आपको हम बताएंगे। इलेक्ट्रिक उपकरण बंद है या चालू, ठीक है, तो इसका पता कैसे चलेगा, तो इंडिकेटर लाइट के थ्रू पता चलेगा कि हमारा उपकरण बंद है या चालू, ठीक है। तो इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए होगी हम अपने को, तो एक चाहिए होगा अपने को बेड स्विच चाहिए होगा। आप सभी देख सकते हो बेड स्विच ऐसा होता है, इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से इसका कनेक्शन भी हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देख सकते हो आप एंगल होल्डर, ये एंगल के जैसे बना होता है, इसका नाम एंगल होल्डर होता है, ठीक है। और ये होल्डर जो है पेंडेंट बल्ब होल्डर है, पेंडेंट बल्ब होल्डर, तो इसका भी यूज काफ़ी जगहों पे किया जाता है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे वायर को लटका दिया जाए और बल्ब को उसी में अटैच कर दिया जाए तो ऐसे ही लटके रहेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पेंडेंट होल्डर। और ये हमारे पास वायर है जो कि अच्छे कंपनी का है, तो हम और एक है हमारे पास न्यूवॉन टेस्टर, और नोज प्लायर भी है, तो नोज प्लायर का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कहीं पे अगर करना होगा छिलने तार को तो कर लेंगे, बाकी नोज प्लायर का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल इसमें ज़्यादातर करते हैं। और थोड़ा सा ये वायर चाहिए होंगे जो कि 1 mm का है, आप देख सकते हो, ठीक है। अपना जो एक बेड स्विच है दोस्तों, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ इस तार से सप्लाई देंगे, तो सबसे पहला वायर जो है हम इसके अंदर अटैच करेंगे, ठीक है, यूं इस तरीके से। और हमें हमेशा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो इसका स्विच होता है बेड स्विच जो है, या फिर अपने बोर्ड का स्विच है, ठीक है, तो उसका वायर जो है जो फेस का जो आएगा इनपुट होगा करंट अपना फेस का, वह नीचे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ तक हो गया अपना काम कंप्लीट। अब अपना लाइट लेंगे, ठीक है, जो कि एंगल होल्डर में जो लगा हुआ है, ये लाइट का एक वायर लेंगे, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पर, ये जो अपना फेस का लाइट आएगा इनपुट यहाँ पे होगा, तो यहाँ से आउटपुट करवाएंगे इस बल्ब में, ठीक है, यूं, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब फिर ये जो है वायर अपना, ये अपना जो न्यूट्रल का वायर आएगा, ये 230 वोल्टेज यहाँ से इनपुट होगा करेंट, तो इसका और ये बल्ब का, ये दोनों का मेल कर देंगे यानी ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सो इंडिकेटर लाइट हम इसको सो करवाएंगे, ठीक है। अगर ये अपना ये लाइट जलेगा, ठीक, तो ये लाइट नहीं जलेगा, ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए बाई चांस ये लाइट फ्यूज हो गया या फिर कुछ हो गया, तो ये ऑटोमेटिक जलने लगेगा ये, ठीक है। तो अभी हम इसको करके दिखाएंगे आपके सामने प्रूफ। तो सबसे पहला नंबर ये देख सकते हो आप, ये जो अपना दूसरा होल्डर है, ये देख सकते हो, ये दूसरे होल्डर को हम इसके एक नीचे वाले पॉइंट में ये स्विच के और एक ऊपर वाले पॉइंट में दे देंगे, आप इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो एक होल्डर था अपना, इस होल्डर में एक बल्ब लगाया हूँ जो कि शो करेगा अभी अपना करंट। इसके जगह पे आप छोटा इंडिकेटर लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप ध्यान देंगे ये जो दोनों वायर आएंगे होल्डर के अंदर से, ठीक है, ये दोनों वायर इस स्विच में दे देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। और ये जो बल्ब है ये अपना, ये नॉर्मल में जैसे सीरीज में अपना ये ज्वाइंट करते हैं इस तरीके से, यहाँ से इनपुट होगा फिर यहाँ से आउटपुट होगा, वैसा दे देंगे, ठीक है। देने के बाद हम क्या काम करेंगे, इसको लाइव टेस्टिंग करेंगे, तो फटाफट से टेस्टिंग करते हैं। हम बोर्ड के अंदर 230 वोल्टेज एसी करंट सप्लाई यहां से देंगे इस तरीके से वायर के थ्रू। इस सर्किट में अपने आया, आप देख सकते हो, ठीक है, और
लाइव टेस्टिंग है ये, तो आप इसको देखेंगे, हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो ये अपना लाइट जल रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे इसको बंद करेंगे तो ये लाइट जलने लगेगा अपना, देख सकते हो, देखो या यो आप देख सकते हैं ना। तो आप जो ये लाइट जो है, ठीक है, अगर ये लाइट मान लीजिए कहीं से भी कुछ होता है तो ये अपना ये लाइट जलने लगेगा, ठीक है, जिससे हमें बहुत ही फायदा होगा। अपना इलेक्ट्रिक उपकरण बंद है या चालू पता चलेगा इंडिकेटर के थ्रू, ठीक है। तो आप किसी भी मोटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपको इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका इंडिकेटर लाइट जल रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमारा मोटर बंद है, समझ रहे हो ना। जैसे अपना ये जो अपना सप्लाई आया हुआ है, तो ये वाला सप्लाई जो है दो, इस सप्लाई को हम मोटर के जो टू फेस होते हैं सिंगल फेस यानी फेस और न्यूट्रल, वो फेस न्यूट्रल इसमें दे देंगे। देने के बाद क्या करेंगे, हम इसका इसमें कनेक्शन कर देंगे, तो अगर हम इसको ऐसे ऑन करते हैं तो इंडिकेटर लाइट अपना बंद, ठीक, और इसको हम ओपन करते हैं तो अपना ये अपना मोटर चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इस कंडीशन में अपना मोटर क्या है, बंद है, ठीक, और इंडिकेटर लाइट शो कर रहा है, यानी कि अपना मोटर जो है वो बंद है, अभी चल नहीं रहा है। अगर आप चलाएंगे तो इसको ऐसे स्विच को ऑन करेंगे तो ये अपना मोटर चलने लगेगा, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों आपको अगर न समझ में आया हो, कोई भी चीज़ अगर आपको छूट रही हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका रिप्लाई करके आपके समस्या का समाधान हम करेंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।